हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस फाइनली पोको X4 Pro 5G लीक होना स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले से ये जो है बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे घूम रहा है, IME डेटाबेस पे घूम चुका है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे घूम रहा है। इसका मतलब है ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में कन्फर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि ये फ़ोन जल्दी इंडिया में एंड ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। क्या होने वाला है पोको X4 Pro 5G के अंदर, हम सब कुछ बात करने वाले हैं। कितना प्राइस होगा, कब इंडिया में आएगा, वेट करना चाहिए फिर जो है नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस अगर हम बात करते हैं पोको X4 Pro 5G के बारे में, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पोको ब्रांड नहीं है, ये एक रीब्रांड पोको ब्रांड है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से शॉमी, रेडमी या फिर जो है मी सीरीज के फोन उठा के जो है इंडिया या फिर जो है ग्लोबल मार्केट के लिए पोको की ब्रांडिंग के साथ में लॉन्च कर देता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि यार वही सेम फोन रेडमी भी लॉन्च करने वाला है, ये बोलता है कि मैं तो अपना फोन रीब्रांड करूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा बोलता है पोको। और गाइस यहाँ पे आप बताना कि यार सेटिस्फाइड हो, मतलब जो रेडमी की जो प्राइस होती है ना उससे 500 से 1000 रुपये बल्कि कम ही होता है, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो या फिर जो है रेडमी एक ब्रांड ही ठीक है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग ये एक जैसे फोन जो है दो अलग अलग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, क्या आप कंफ्यूज होते हो या फिर जो है नहीं होते, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस अगर हम बात करते हैं पोको X4 Pro 5G के बारे में, ये अभी लास्ट फोन पोको X3 Pro का अपग्रेड फोन होने वाला है पोको X4 Pro 5G। लेकिन एक्चुअल में ये अपग्रेड तो होने वाला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डाउनग्रेड भी होने वाला है। एक्चुअल में ये फोन जो है रीब्रांड फोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ है, रेडमी नोट 11 प्रो। कई सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। ये है रेडमी नोट 11 प्रो का डिजाइन और ये है पोको X4 Pro 5G का डिजाइन। मतलब डिजाइन में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पैनल को चेंज किया गया है। मतलब यहां पे येलो, ब्लू एंड व्हाइट कलर आपको जो है यहां पे पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन कैमरा जो मॉड्यूल है ना वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो फोन ही रीब्रांड फोन है। सिर्फ यहां पे बैक पैनल चेंज किया है और ब्रांड का लोगो चेंज किया है, अदरवाइज ये फोन जो है बिल्कुल वही फोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ है रेडमी नोट 11 प्रो 5G के साथ में। गाइस अगर हम बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो यहां पे आपको मिलेगा 6.67 इंच का डिस्प्ले, पंच होल स्क्रीन, सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट। गाइस आप मुझे बताना क्या आप सेटिस्फाइड हो? अगर प्राइस आता है यहां पे ऑलमोस्ट 19,000 या फिर जो है 18,000, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इस पोको X4 Pro 5G के लिए? जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पे बहुत सारे लोगों के जो है दिल टूटने वाला है। एक्चुअल में रीजन क्या है, जो पोको X3 Pro था वहां पर चिपसेट यूज किया गया था स्नैपड्रैगन 860। जहां पर अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो वो एक अल्टीमेट फोन था पोको X3 Pro, लेकिन जो पोको X4 Pro 5G होने वाला है वहां पर चिपसेट में हल्का सा डाउनग्रेड है। स्नैपड्रैगन 695 के साथ में है, 6 नैनोमीटर के साथ में बेस्ड है, 5G चिपसेट है, परफॉर्मेंस वाइज में आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हां हम पोको X3 Pro से जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोको X4 Pro 5G जो है थोड़ा सा चिपसेट में डाउनग्रेड होने वाला है, लेकिन अदरवाइज जो है सारी चीजों में अपग्रेड है, जैसे कि डिस्प्ले क्वालिटी में अपग्रेड है एंड यहां पे जो है डिजाइन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है, 5G आपको देखने को मिलता है। एंड अगर कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा में भी जो है अपग्रेड है। यहां पर हम बात करते हैं पोको X4 Pro 5G के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, प्राइमरी सेंसर है 108 MP के साथ में, सेकेंडरी सेंसर है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड जो है थर्ड सेंसर है 2 MP का मैक्रो लेंस। तो गाइस कुछ इस टाइप का होने वाला है यहां पे पोको X4 Pro 5G का कैमरा परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहां पे यूज किया जाएगा 16 MP का फ्रंट कैमरा सेटअप। वेरिएंट होगा बेस वेरिएंट 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। और गाइस अगर हम बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो वही बैटरी आपको देखने को मिलेगी जो कि रेडमी के सभी फोन के अंदर देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी। एंड यहां पे एक अच्छी बात यह है 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा और वही चार्जर जो है इनबॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां पे ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पेसिफिकेशन एंड हार्डवेयर जो है काफी स्ट्रांग है। सिर्फ अगर हम पोको X3 Pro से कंपेयर करते हैं तो चिपसेट में जो है डाउनग्रेड है, अदरवाइज ये फोन जो है ओवरऑल एक अपग्रेड है, जैसे कि डिस्प्ले क्वालिटी अपग्रेड है, 5G आता है एंड इसके अलावा आपको यहां पे 67W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, कैमरा इंप्रूव है। तो गाइस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छे हैं, हम यहां पे बोल सकते हैं कि मी 11i 5G वाले को टक्कर देगा, रेडमी नोट 11 प्रो जो इंडिया में लॉन्च होगी सीरीज उसको टक्कर देगा। प्राइस में यहां पे कंपटीशन, मतलब प्राइस में यहां पे रेडमी से कम होने वाला है, तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छा है। क्या आप वेट करोगे पोको X4 Pro 5G का या फिर जो नहीं, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो
वीडियो पसंद आया होगा जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना क्या आप वेट करोगे या फिर जो है नहीं करोगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।